विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सिद्धार्थनगर जिले में वन विभाग द्वारा विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम जिले के नौगढ़ के मंझौली सागर के पास आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीणों को वेटलैंड कार्यक्रम को लेकर जागरूक भी किया गया और उन्हें इसकी महत्ता को लेकर भी बताया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सीरियो पुलकित गर्व शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को लेकर लोगों संबोधित कर जागरूक किया। इनके अलावा जिले के डीएफओ चंदेश्वर सिंह समेत एवं एसएसपी के प्रभारी कमांडेंट अमित सिंह समेत दर्जनों वन विभाग एवं एसएसपी के जवान एवं वन कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विश्व वेटलैंड दिवस क्यों जरूरी है, यह सभी को समझाया गया कि अगर तालाबों सागरों इत्यादि का संरक्षण नहीं किया गया तो जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत हानिकारक होगा, जिसके बाद मानव जीवन का भी बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा मौजूद लोगों को जीव जंतुओं के संरक्षण संबंधी जानकारियां भी दी गई और कार्यक्रम को लेकर मौजूद अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए विश्व वेटलैंड की महत्ता एवं कार्यक्रम को लेकर जानकारियां भी साझा की। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। यही संदेश सभी नागरिकों को सभी को देना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में जो जो वेटलैंड है उनकी जो आवश्यकता है उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, चाहे वो पीने के पानी के लिए हो, चाहे सिंचाई के लिए हो, चाहे वो बाढ़ के पानी को या बारिश के पानी को उसको अपने अंदर टटोलने के लिए हो। तो सभी से मैं यही कहूँगा कि अपने क्षेत्र में अपने सभी वेटलैंड को, जो आपके तालाब हैं, जो छोटे छोटे तालाब हैं हर जगह पर और जो भी इस तरीके के बड़े सागर भी हैं, तो उन सबको बचा कर रखें, उन सबको संभाल कर रखें, वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेटलैंड डे का आज का थीम जो है वर्ल्ड स्तर पर जो जारी किया गया है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये वेटलैंड का संरक्षण का हमारा परम उद्देश्य मानव कल्याण के लिए है और हम सब मानव का ये परम कर्तव्य है कि वेटलैंड का हम संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें, क्योंकि वेटलैंड का जिस तरह से विनाश हो रहा है आगे चल करके हमारा मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। जल ही जीवन है और वेटलैंड से ही वाटर रिचार्ज होने के उपरांत ही जमीन के अंदर से हमको पानी प्राप्त हो रहा है और आगे चल करके यदि हम इस पर और अधिक ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लिए जो है समस्या पैदा होगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बहुत पूर्व से ही ये वेटलैंड डे मनाया जा रहा है, अब और आगे प्रतिवर्ष कोई न कोई थीम लेकर के आया जा रहा है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता आ सके और इसके महत्व को समझते हुए हम सभी लोग इस कार्य में लगे और वेटलैंड संरक्षण अपना पर्व निभाएं।